सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवां में आज आपकी हम सफर हूँ मैं शिल्पी। पेश है ओम प्रकाश कश्यप की लघु कहानी मंत्र बन। इसे हमने उनके ब्लॉग संधान से साभार लिया है, तो सुनिए ये लघु कहानी। संघ के सिद्ध पुरुष का मंत्र द्वारा चीन के छक्के छुड़ाने का बयान सुन एक उत्साही पत्रकार उनके दरबार में जा धमका। सर, यदि मंत्र जाप द्वारा दुश्मन की कमर तोड़ी जा सकती है तो परमाणु बम बनाने के लिए अरबों रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता है? हट बुड़बक! सिद्ध पुरुष का चेहरा तमतमा गया, आंखें लाल पड़ गई। कलियोगी पत्रकार सच को कभी समझ ही नहीं सकते। नारद जी होते तो अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते। पत्रकार सहम गया। दैवी प्रेरणा से धीरे धीरे सिद्ध पुरुष का कोप शांत हुआ। बोले, सुनो, एक बार की बात है, हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत पर विश्राम कर रहे थे, तब संत पुरुषों का रेला उनके पास पहुंचकर विनती करने लगा। महाराज, देश के उत्तर पश्चिम में असुर दोबारा सिर उठाने लगे हैं। ऋषिगण परेशान हैं। असुर यज्ञादि को खंडित कर राम कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। राम काज में बाधा? सुनते ही हनुमान जी लाल भभूका हो गए। वे बूढ़ा भले गए थे, लेकिन बल और तेज ज्यों का त्यों था। सो उन्होंने गदा उठाई और उत्तर पश्चिम दिशा में चला दी। गदा गिरते ही धरती थर्रा गई, बवंडर आसमान तक छा गया, जोर का धमाका हुआ। कहते कहते सिद्ध पुरुष कुछ पल रुके, फिर बोले, कुछ समझे या कम्प्लीटली लाल बुझक्कट टाइप पत्रकार हो? चलो हम ही बताई देते हैं। जहाँ वो गदा जाकर गिरी वो स्थान था पोखरण और तारीख थी 18 मई 1974। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवा में अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश कश्यप की लघु कहानी मंत्र बल। इससे हमने उनके ब्लॉग संधान से साभार लिया था। तो अगले हफ्ते हम फिर किसी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा अपनी दोस्त शिल्पी को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।